जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या चॅनलवरती। तर आपण आज जाणार आहे आपल्या मामाच्या फार्म हाऊसला, आऊ मामाच्या। तर चला माझ्याबरोबर बघूया आज कोण कोण येणार आहे आपल्या फार्म हाऊसला। तर मामानी आपल्या फॅमिलीचा एक गेट टुगेदर करायचा ठरवलेलं आहे, तर हळूहळू सगळेजण जमा होतील, आपण पुढे जाऊया मामासोबत, बघूया काय तयारी करायची येते। मामा इथे ऑर्डर करतोय पाणीचे बॉटल्स आणि जेवण बनवण्यासाठी जो काही सामान लागणार, कारण आपण आज फार्म हाऊस वरती जेवण बनवणार आहे। काय आहे हे, किती सुंदर आहे सगळं। झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियां जो भवरे आके लूट गए। बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों ना मैं भी दे कहाल जरा। सवार लूं सवार लूं सवार लूं है सवार लूं। हवा के झोंके आज मौसमों से इमली खट्टे मीठे बेर, इस जंगल में हम दो शेर। चल घर जल्दी हो गई देर, चल घर जल्दी हो गई देर। छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो। Once more! ये जगह बेहद खतरनाक है, पानी का बहाव बहुत तेज है, यहाँ तो मौसम भी कड़ी परीक्षा लेता है, इसे पार करना आसान नहीं है। यहाँ एक कदम आगे बढ़ाओ तो दो कदम पीछे आ जाओ। यहाँ आकर पता चलता है कि पानी कितनी जोरों से बह रहा है। कुछ साल पहले कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर आए थे बेलीज के इन जंगलों में,
एक फील्ड ट्रिप के लिए और वो इस तरह के वाटरफॉल के पास पहुंचे और उनमें से एक जो किनारे पर खड़ा था उसका पैर फिसला और वो पानी में गिर गया। एक दोस्त ने उसे पकड़ने की कोशिश की, वो भी पानी में गिर गया। सोचना पड़ता है रे, कौन सी गाली देने का सोचना पड़ता है। किसी ऊंची जगह से हम पूरे इलाके को देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे कौन सी चुनौतियां आएंगी। आप वो जगह देख रहे हैं, वो सियरा रिका पहाड़ हैं और उनके पास ही है रियो ग्रांडे जो अलग करता है मेक्सिको और अमेरिका को। उन सीमाओं पर सबसे ज्यादा गश्त लगाई जाती है। वहां पहुंचा तर चला मित्रांनो, फॅमिली गेट टुगेदर झालेलं आहे आणि पूर्ण फॅमिलीनी मस्त एन्जॉय केलेलं आहे। परतीचा व्हिडिओ मला काय टाकता येणार नाही कारण खूप अंधार झालेला होता आम्ही निघेपर्यंत। तर भेटूया पुन्हा। व्हिडिओ कसा वाटला नक्की कमेंट करून सांगा, चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। जय शिवराय।